संतोष सोरेन जी, अनंत तिवारी जी और मंच में विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण, नेत्रीगण और इस चुनावी सभा में बरेड विधानसभा के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, देवतुल्य मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नौतपा चल रहा है और इस सिलसिला की धूप में भी आप लोग इतनी संख्या में इस चुनावी सभा में एकत्र हुए हैं और आप लोगों ने जो हमारा स्वागत किया है उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आभार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है 7 मई को और हम लोग छत्तीसगढ़ का जो 11 का 11 सीट है वो सभी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री विधायक सब झारखंड में चुनाव सहयोग के लिए आए हुए हैं। बंधुओं में झारखंड आज शायद चौथा पांचवा बार आ रहा है और ये झारखंड पड़ोसी राज्य है और जुड़वा राज्य कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड एक ही समय में पैदा हुए हैं। हमारे सभी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ और झारखंड को एक साथ बनाए 2000 में और इस नाते हम लोग जुड़वा भाई हैं और मेरा तो झारखंड से बहुत गहरा नाता है। हमारी माता जी झारखंड की हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में हमारे मामा लोग रहते हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हमेशा हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार में आते रहते हैं और यहाँ से भी हमारे यहाँ जाते रहते हैं। बंधु, मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि ये जो लोकसभा का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। आप सभी लोग समझते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो सब दोनों हाथ उठाइए एक बार आशीर्वाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा है, एक चाय बेचने वाला का बेटा और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि गरीब आदमी ही गरीब आदमी का दुख तकलीफ को जानता है, वो दिल्ली बॉम्बे में पैदा होने वाला वो नहीं जानता है। और नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। आज 24 घंटा में 18-18 घंटा देश के लिए काम करते हैं और आप लोग 10 साल उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखे हैं। 10 साल इस देश में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए चिंता किया है। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ के मिले के चलने का उनका नारा है। और 10 वर्ष में आप लोग देखे होंगे गरीबों के लिए खूब काम किए। मेरा सौभाग्य था कि उनका जो पहला कार्यकाल था 2014 से 2019, मैं भी सांसद था, केंद्र में मंत्री था, उनके साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य मिला। तो पहले 5 साल में उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, गरीबों को गैस का सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम, माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम। अब इतना काम है कि उसको सबको गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। पूरा गरीबों के लिए काम किया
और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो हम लोग की जो मांग थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, ये बड़ा बड़ा काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया। 500 साल के संघर्ष के बाद, लाखों हिंदुओं के कुर्बानी के बाद आज भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया, कांग्रेसी बोलते थे विरोधी ये तो हट ही नहीं सकता, खून खराबा हो जाएगा, लेकिन शांति से आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 भी हटा दिया। आज देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके वहां जमीन खरीद के अपना मकान बना सकता है। जब तक धारा 370 था तो देश का कोई भी आदमी वहां पर 1 इंच जमीन खरीद नहीं सकता था। ये सब कानून को आदरणीय मोदी जी ने तोड़ा। और ऐसे प्रधानमंत्री जी का एक नाम हम लोग को इस देश को और आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, 2045 तक विकसित भारत के रूप में अपने देश को खड़ा करना है। और 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने आर्थिक क्षेत्र में जो 11वें स्थान पर था हमारा देश, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। अब आने वाले 5 साल में उनका संकल्प है कि आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत भारत देश को बनाएंगे, और ये काम आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। और इससे उनका चुनाव आने वाले समय में और 3 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाना है, 3 करोड़ और हमारी दीदी लोगों को लक्ष्मी बनाना है, हमारे मुद्रा योजना में हमारे बेटा बेटी उनको रोजगार में जो 10 लाख लोन जिसका गारंटर स्वयं प्रधानमंत्री जी भारत सरकार होता है वो 20 लाख करना है, ये सब चुनावी घोषणा पत्र में है। तो इसलिए अच्छा काम करना है, इसलिए आने वाला ये लोकसभा चुनाव का बड़ा महत्व है। और आप सब लोगों से आज मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने आए। आज बड़ा दुख लगता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ पैदा हुए और दोनों प्रदेश में खनिज संपदा भी भरपूर है, वनोपज भी है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत का किसान है, लेकिन अगर आज अगर विकास में तुलना करें तो झारखंड से ज्यादा छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे कहे कि वहां पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में था। अभी 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शुरुआती के क्षेत्र में 3 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बहुमत के आधार पर, लेकिन 3 साल में वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दी और भारतीय जनता पार्टी को जिताई। और लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का विकास किया। अभी 5 साल 2018 से 23 फिर एक बार वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सरकार में बैठा दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 5 साल 10 साल पीछे धकेल दिया। तो अभी जो चुनाव आया 2023 का, तो फिर छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठा दी। और आज एक आदिवासी को मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बनाया है जो आपके सामने खड़ा है। आज 100 दिन में हम लोग बड़ा बड़ा काम किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। 5 साल वहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए, 24,72,000 से ज्यादा किसानों का धान खरीदे 45 लाख मेट्रिक टन, और उसका जो अंदर की राशि था 13,500 करोड़ दिए, 2 साल का धान का बोनस